वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है, महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स रिवीजन क्लास 2021 दिल्ली। क्लासेज आपको मिलती है सुबह 9 बजे, और जो भी विद्यार्थी राजस्थान पुलिस वीडियो मेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो ये उसके लिए महत्वपूर्ण रिवीजन क्लास मैं डेली आपको लिए लेके आता हूँ। और सभी एग्जाम के लिए डेली क्लासेस महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की रिवीजन क्लास 2021 की आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जल्दी से सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर कर दो। अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें, ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और लाइक शेयर कर देना, और सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। तो 17 नंबर पार्ट मैंने कल करवा दिया, आज 18 नंबर मैं लेके आया हूँ। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, किस प्रसिद्ध पत्रकार को फुकुओका पुरस्कार 2021 के ग्रैंड प्राइज प्राप्तकर्ता में से एक के रूप में चुना गया है? किस प्रसिद्ध पत्रकार को फुकुओका पुरस्कार 2021 के ग्रैंड प्राइज प्राप्तकर्ता में से एक के रूप में चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पी साईनाथ को। ऑप्शन नंबर एक, किसको चुना गया है? पी साईनाथ को। दो नंबर देखो, सिडनी स्थित इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा 17 जून 2021 को जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? किसमें? अभी सिडनी में स्थित है ये इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, इसमें अभी वैश्विक शांति सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? वो दिया गया 135वां। ऑप्शन नंबर एक कौन सा दिया है? 135वां। तीन नंबर देखो, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा विश्व के पहले लकड़ी के उपग्रह विस्सा वुड सेट को वर्ष 2021 के अंत तक किस देश से प्रक्षेपित किया जाना प्रस्तावित है? मतलब यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा विश्व के पहले लकड़ी के जो उपग्रह है विस्सा वुड सेट, उसको 2021 के अंत तक किस देश में प्रक्षेपित किया जाना प्रस्तावित है? तो तीन नंबर का ऑप्शन हो जाएगा न्यूजीलैंड। किस देश में? ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड में। चौथा क्वेश्चन देखो, DRDO ने 1000 से 2000 किसी मारक क्षमता वाली किस कनेक्टिविटी मिसाइल का सफल परीक्षण डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से 28 जून 2021 को किया? उसका नाम क्या है? तो चार नंबर का ऑप्शन हो जाएगा अग्री प्राइम। ऑप्शन नंबर बी अग्री प्राइम, और इसी के द्वारा DRDO के द्वारा परीक्षण किया गया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, 28 जून 2021 को इसका परीक्षण किया गया। अगला देखो, किस देश की बहतेन विश्व की निर्माणाधीन सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना जल विद्युत क्षेत्र की 2 इकाइयों को जून 2021 में और ऑपरेशनलाइज किया गया है? तो कहाँ, किस देश में किया गया है? तो पांच नंबर का ऑप्शन हो जाएगा डी चाइना में। किस में किया गया है? चाइना देश में। छह नंबर देखो, भारत के साथ साझेदारी में किस देश का टेक्स्ट इंस्पेक्टेड विदाउट ऑफ बॉर्डर्स कार्यक्रम 23 जून 2021 को शुरू हुआ है? तो ये किस देश के साथ शुरू हुआ है? तो छह नंबर का उत्तर हो जाएगा डी भूटान के साथ। ऑप्शन नंबर डी, अभी भूटान देश के साथ क्या है, भारत देश का साझेदारी में टेक्स्ट इंपेटस विदाउट बॉर्डर्स कार्यक्रम शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो, चैरिटीज एंड फाउंडेशन द्वारा 14 जून 2021 को जारी वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष दानशील देश के रूप में पहले स्थान पर है? इसमें शीर्ष दानशील देश के रूप में पहले स्थान पे है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 के अनुसार? तो सात नंबर का ऑप्शन नंबर एक इंडोनेशिया। कौन सा है? इंडोनेशिया देश है जो सबसे पहले स्थान पे है। आठ नंबर देखो, सतत विकास समाधान नेटवर्क और बर्टल्समैन सिप्स्टंग द्वारा 14 जून 2021 को जारी सतत विकास रिपोर्ट 2021 की रैंकिंग के संबंध में कौन सा युग्म यहाँ पर सम्मिलित नहीं है? तो आपको सम्मिलित नहीं है तो ये बताना है। तो आठ नंबर का ऑप्शन नंबर डी बेल्जियम चतुर्थ, तो ये ऑप्शन नंबर सही नहीं है। तो फिनलैंड पहले स्थान पे है, डेनमार्क तीसरे स्थान पे है, और स्वीडन है दूसरे स्थान पे, लेकिन फिर बेल्जियम है वो चौथे स्थान पे नहीं है सतत विकास रिपोर्ट 2021 की रैंकिंग में। ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नौ नंबर देखो, इंडियन होटल्स कंपनी के अनुसार किस प्रतिष्ठित ब्रांड को ब्रांड फाइनेंस द्वारा जून 2021 में दुनिया भर में सबसे मजबूत होटल ब्रांड का दर्जा दिया गया है? सबसे मजबूत होटल ब्रांड का दर्जा दिया गया है किस देश में है? तो किसको दिया गया है? तो नौ नंबर का उत्तर हो जाएगा ताज को। इसका नाम क्या है? ताज होटल को इसमें क्या है, सबसे मजबूत होटल ब्रांड का दर्जा दिया गया है? तो नौ नंबर का उत्तर हो जाएगा बी। दस नंबर देखो,
एडल्स गिव ह्यूरन पार्ट्स ऑफ कंट्री 2021 सूची में शीर्ष स्थान किसे प्रदान किया गया है? तो ये एडल्स गिव ह्यूरन प्लांथ्रोपिटिस ऑफ कंट्री 2021 सूची में किस शीर्ष स्थान किसे प्रदान किया गया है? तो 10 नंबर का उत्तर हो जाएगा जमशेदजी नरसवांजी टाटा को। किसको दिया गया है? जमशेदजी नरसवांजी टाटा को इसमें शीर्ष प्रदान किया गया है। अगला देखो, G7 राष्ट्रों का 47वां शिखर सम्मेलन 2021 किस देश की मेजबानी में 11 से 13 जून 2021 को आयोजित किया गया है? मतलब G7 राष्ट्रों का 47वां शिखर सम्मेलन 2021 किस देश की मेजबानी में 11 से 13 जून को आयोजित किया गया है? किस देश में? तो 11 नंबर का उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन में। किस देश में किया गया है? ब्रिटेन देश में। 12 नंबर देखो, किन देशों के समूह को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्य के रूप में 7 जून 2021 को चुना गया है? किन देशों को चुना गया है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्य के रूप में? तो 12 नंबर का उत्तर हो जाएगा, 1 नंबर भारत को, अफगानिस्तान को और कजाकिस्तान और ओमान को, इन 4 देशों को इसमें चुना गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला देखो, दिशा नामक एनजीओ के चेयरमैन सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्टिक डॉक्टर अशोक पनगड़िया का 11 जून 2021 को निधन हो गया। उन्हें पद्म श्री पुरस्कार से किस वर्ष सम्मानित किया गया है? स्टार लगाना इस क्वेश्चन को, अच्छी तरह से पढ़ लेना। तो 13 नंबर का आंसर हो जाएगा, 13 नंबर का आंसर सी, वर्ष 2014 में। कब दिया गया इनको? वर्ष 2014 में इनको, ये एनजीओ दिशा नामक एनजीओ के एक चेयरमैन थे, और अभी इनको पुरस्कार कब दिया गया? 2014 में। 14 नंबर देखो, चीन के शिनजियांग प्रांत में उइगर मुसलमानों के लिए बनाए गए डिस्टेंशन कैंप्स की जानकारी दुनिया तक पहुंचाने के लिए निम्न में से किसे पुलित्जर पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? तो किसको पुलित्जर पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? तो 14 नंबर का उत्तर हो जाएगा, इन उपयुक्त सभी को, तो मेगा राजगोपालन को, एलिसन किलिंग को और क्रिस बुरशे को, इन सभी को क्या है, ये पुलित्जर पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। अगला देखो, भारतीय नौसेना और थाईलैंड की साई नौसेना के बीच भारत थाईलैंड समन्वित गश्त 2021 के किस संस्करण का आयोजन 9 से 11 जून 2021 को किया गया है? तो भारतीय नौसेना और थाईलैंड की साई नौसेना के बीच भारत और थाईलैंड में किस संस्करण का इन दोनों के बीच में आयोजन किया गया है? तो 15 नंबर का उत्तर हो जाएगा, 31वां संस्करण। कौन सा हो जाएगा? 31वां संस्करण इनके बीच हुआ है। अगला देखो, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा 6 जून 2021 को जारी तीसरे निष्पादन ग्रेडिंग सूचकांक 2021 में कितने राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों ने ग्रेड 1++ प्राप्त किया है? तो ध्यान रखना, किन राज्य क्षेत्रों ने, कितने राज्य संघ क्षेत्रों ने ग्रेड 1 के +++ प्राप्त किया है? तो 16 नंबर का उत्तर हो जाएगा, 5 राज्यों ने, ऑप्शन नंबर 1, 5 राज्यों ने इसमें निष्पादन ग्रेडिंग सूचकांक 2021 में ग्रेड 1+ प्राप्त किया है। अगला देखो, किस पूर्व ऊर्जा सचिव को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड का नया अध्यक्ष जून 2021 में नियुक्त किया गया है? पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड का नया अध्यक्ष किसने नियुक्त किया गया है? तो 17 नंबर का डी, संजीव नंदन सहाय को। किसको नियुक्त किया है? संजीव नंदन सहाय को। अंतिम क्वेश्चन देखो, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कितनी राशि के तहत पैकेज की घोषणा 28 जून 2021 को की है? तो आप इसको भी अच्छी तरह से पढ़ देना। तो 18 नंबर का उत्तर हो जाएगा, 6,28,993 करोड़। कितने? 6,28,993 करोड़ इसमें राहत पैकेज की घोषणा की है, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। तो ये थे छोटी क्लास मेरी रिवीजन क्लास की। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना, क्योंकि डेली आपको 9 बजे छोटी सी क्लास मेरी मिलती है 10 मिनट की, जिसमें टाइम भी आपका ख़राब नहीं होता और छोटी क्लास आपको भी रिवीजन मिलती है डेली करंट की, तो आप इसमें भी रिवीजन देख लिया करो। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।